मित्रों नमस्कार, मेरी बगिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक सुंदर से फूल जरबेरा के बारे में। मैंने नर्सरी से दो अलग अलग रंगों के जरबेरा के पौधे खरीदे हैं। आप जब भी जरबेरा के पौधे खरीदें या कोई भी पौधे खरीदें तो ध्यानपूर्वक देख करके स्वस्थ पौधों खरीदें और साथ ही ऐसे पौधे खरीदें जिसमें बहुत सारी शाखाएँ निकली हुई हो, ताकि हम उसे अलग करके कई और पौधे प्राप्त कर सकते हैं। नर्सरी से लाए पौधे को तुरंत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, कुछ दिनों तक अपने वातावरण में एडजस्ट करने के बाद ही उसे रिपोर्टिंग करनी चाहिए। यह मेरा जरबेरा का पौधा है, लगभग एक महीने बाद इसके फूल सूख गए हैं और यह काफ़ी घना हो गया है। इसको अलग अलग करके मैं इसे चार पॉट में लगाने वाला हूँ। इसके लिए मैंने प्लास्टिक के बाल्टीन और प्लास्टिक के डिब्बे ले लिए हैं, साथ ही मैंने इसके लिए मिट्टी अच्छे से बना ली है। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अतः मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। जब भी हम मिट्टी बनाते हैं ध्यान रखना है कि गार्डन की मिट्टी 50%, उसमें गोबर का खाद 30% और 20% बालू मिलाना चाहिए, ताकि हमारा जो पानी है वो आसानी से निकल जाए। हम जो भी पॉट ले रहे हैं उसमें अच्छे से छेद होने चाहिए, ताकि पॉट के तली में पानी जमा न रह सके। अब इसमें मिट्टी भर करके इसके ऊपर पानी डाल दें और उसे कुछ समय के लिए यूं ही छोड़ दें, ताकि अतिरिक्त पानी जो है वह बाहर निकल जाए। इसके बाद पॉलीथीन बैग को ध्यानपूर्वक काट करके पौधे को बाहर निकालना चाहिए और इसकी जो मिट्टी है उसको ध्यानपूर्वक हटाते जाएं। ध्यान रखें जो जड़ें हैं उन टूटनी नहीं चाहिए, धीरे धीरे सभी मिट्टियों को हटा दें। मिट्टियों को अच्छी तरह से हटाने के बाद अब देखते हैं कि इसमें बहुत सारी जड़ें फैली हुई हैं। अब हम अपने पौधे को अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम करेंगे। यहाँ पर मैंने अपने पौधे को चार हिस्सों में बांटा है। इसे हम और अधिक हिस्सों में भी बांट सकते थे, परंतु मैंने इसे चार हिस्सों में ही किए हैं। चलिए अब हम इन्हें रिपोटिंग करते हैं। रिपोटिंग में मदद के लिए मेरे साथ हैं मेरी बेटी मानवी ठाकरे और कैमरामैन मेरा बेटा अंश ठाकरे। बच्चों को अधिक से अधिक प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास करें, ताकि बच्चे पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकें और पेड़ पौधों से उनका जीवन, हमारे बच्चों का जीवन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। पौधे को गमले के बीचों बीच लगाना चाहिए और मिट्टी भर करके उसे अच्छे से दबा लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार की हवा न रहे। चलिए अब हम पौधे को बीचोंबीच रखते हैं और इसके चारों तरफ मिट्टी को अच्छे से भर करके अच्छे से चारों तरफ दबा लेते हैं। अब इसके ऊपर हम पानी डाल देते हैं। ध्यान रखना है कि पानी अधिक मात्रा में न हो। इसी तरह से और दूसरे गमलों में भी हम पौधे को लगा देते हैं। इन पौधों को शेडो एरिया में रख देते हैं। यह जरबेरा का देख सकते हैं आप, और देखिए आप देख सकते हैं, आपको दिख रहा है ना, हम चार ठो पौधे लगाए हैं जरबेरा का, और यहाँ पे एक ठो है, वहाँ पे फ्लावर्स है, हम चार ठो जगाए हैं। कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। बाय बाय।